नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया सी जॉब वैकेंसी का अपडेट लेके आए जो सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ही है, जिसमें बिल्कुल भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई भी जॉब एक्सपीरियंस कैंडिडेट इधर अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट का 22, 23 और 24 के अंदर पासिंग ईयर है और कैंडिडेट को कोई भी नैप्स या नेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है या ESIPF अकाउंट ओपन नहीं है, तो वो कैंडिडेट इसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो कंपनी का पूरा डिटेल्स आज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, इधर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जाएंगे, सब कुछ इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसे कंपनी में ज्वाइन करना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो या फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है वो दबा दो, क्योंकि हमारे चैनल में जितनी भी फ्री जॉब का अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है SKH मेटल लिमिटेड, जो दिल्ली का कंपनी है, दिल्ली की मनेश्वर की ये कंपनी का प्लांट है। जितने भी मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है, आप चाहो तो इसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ये टोटली मैकेनिकल कोर कंपनी है, इसमें फोर व्हीलर का पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो SKH मेटल कंपनी के बारे में अगर आपको और भी गहरा जानना है तो आप गूगल पे SKH मेटल दिल्ली मनेश्वर करके सर्च कर सकते हो। कंपनी ऑल अबाउट आपको मिल जाएगा, इधर क्या क्या पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंपनी का रेटिंग कैसा है, ऑल अबाउट आपको मिल जाएगा। तो कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आएंगे कि इसमें सैलरी कितना है, फैसिलिटीज क्या क्या है। तो इसमें अभी टोटल 25 स्टूडेंट का वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। और इसमें एज क्राइटेरिया है 18 से 28 तक, इधर एज क्राइटेरिया है। तो इधर सिर्फ 22, 23 और 24 का पासिंग ईयर चलेगा। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी अंडर पेरोल नैक्स में ले रही है, NATS में ले रही है। तो अगर जो फ्रेशर स्टूडेंट है वही सिर्फ इधर अप्लाई करे, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन या नैप्स या नेट्स का रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट इधर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि इधर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इधर अप्लाई कैसे करेंगे, वो अप्लाई लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के मैं दे देती हूँ। तो उससे पहले थोड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती हूँ। तो ये जो कंपनी है, इधर सिर्फ अभी डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट चल रहा है। इसी कंपनी में, सेम कंपनी में ही ITI 10-12 ग्रेजुएशन का भी रिक्वायरमेंट था, बट अभी इसी टाइम वो कैंडिडेट का मतलब रिक्वायरमेंट है नहीं 10-12 ग्रेजुएशन का, अभी सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट लेंगे। जो लास्ट डेट है इसी महीने का 20 तारीख, मतलब इसी सितंबर का 20 तारीख के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना है। तो कंपनी सैलरी क्या प्रोवाइड करी है डिप्लोमा वालों को, 22,312 रुपए आपको प्रोवाइड करेगा 26 डेज ड्यूटी में। तो इधर 12 आवर्स आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, 8 आवर्स भी ड्यूटी होता है, अगर आप चाहो तो 8 आवर्स भी ड्यूटी कर सकते हो, बट इधर 12 आवर्स भी ड्यूटी होता है, मतलब 4 आवर्स करके आपको पर डे OT अवेलेबल मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट को मतलब ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा है तो ये सब स्टूडेंट इसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जिनको हर महीने OT चाहते हैं, जो कैंडिडेट कि पर डे मुझे OT मिले 4 आवर्स करके, तो उसे कैंडिडेट के लिए ये कंपनी बेस्ट होगा, क्योंकि इधर पर डे OT अवेलेबल है। 22,312 रुपए आपको मिलेगा 26 डे ड्यूटी में, और आफ्टर 1 ईयर के बाद ये कंपनी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी में फैसिलिटीज क्या क्या है, इधर आपको कैंटीन मिलेगा, रूम, बस फैसिलिटीज सब कुछ मिलेगा। बट रूम के लिए, रूम जो है ना ये रेंटल है, कंपनी बस आप लोगों को रूम की अरेंजमेंट कर देंगे। मतलब आप बाहर से आओगे तो इधर रूम ढूंढने के दिक्कत होगा, तो कंपनी का जो सुपरवाइजर है वो बस आपको रूम की सजेशन देंगे कि उधर रूम मिलता है, या खुद जाके रूम दिखा देंगे। आपको वो रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, पर कैंडिडेट को 1,000 से 1,500 के अंदर रूम मिल जाएगा। और इधर बस फैसिलिटीज नहीं है, इधर कैंटीन है, कैंटीन के लिए पर डे 20 रुपया पे करके आपको खाना पड़ेगा, मतलब ये सब्सिडाइज है। तो ये था आज की पूरा कंपनी का इंफॉर्मेशन। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके भी देख सकते हो कि सैलरी कितना है या फैसिलिटीज क्या क्या है। तो अच्छे से देखने के बाद ही नीचे का जो अप्लाई लिंक है उधर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास कॉल जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके पास ऑफर लेटर चला जाएगा। और जब अप्लाई करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कुछ मतलब इंफॉर्मेशन बिना इंफॉर्मेशन का ही अप्लाई कर देता है। सारे कंपनी के एक अलग से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे इसी कंपनी में भी है कि 22, 23, 24 के अंदर पासिंग ईयर होना चाहिए, कैंडिडेट को एकदम फ्रेशर होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तभी इसी कंपनी में अप्लाई करना, करने के बाद ही आपको तुरंत ऑफर लेटर चला जाएगा 24 आवर्स के अंदर। ऑफर लेटर में कंपनी का प्रॉपर एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर, उधर जाके आपको मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफर लेटर में ही मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही हाई सैलरी स्ट्रक्चर में जॉब चाहिए तो आप ही वीडियो
वीडियो देखने की तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इधर सिर्फ 50 स्टूडेंट का ही रिक्वायरमेंट है। तो आज के वीडियो इतना, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।